जरूर ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। उनके जीवन का ये अनुभव उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। ज्यादा कमाने के लिए इन लोगों ने नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ दिया। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स यहाँ बैठे हैं, कुछ जरूर ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। उनके जीवन का ये अनुभव उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने लिखा है, ये पुस्तक का नाम है हाउ द माइटी फॉल। जो बड़े बड़े महारथी थे वे क्यों पृथ्वी पे गिर पड़े। ऐसे ऐसे महारथी उन्होंने देखे। जो महारथी इफ ही स्नीजिंग्स वॉल स्ट्रीट कैचेस फीवर, एक फोन उठा के मैनहट्टन में न्यूयॉर्क में 50वीं मजले पे बैठे और फोन उठा के फोन करते हैं, कैन टॉप द गवर्नमेंट इन अफ्रीका। ऐसे महारथी उन्होंने देखे। ऐसे महारथी के साथ वे रहे कि वे पृथ्वी पे पैर रखे एंड द अर्थ शिवर्स। ऐसे महारथी पृथ्वी पे बेकार हो गए या कोई जेल में गए या कोई बैंकरप्ट हो गए, क्या वजह थी। After a detailed study, he comes to a conclusion that these people, ये 300 पेज का पुस्तक है, एक वाक्य में उन्होंने लिखा है, जिम कॉलिंस ने लिखा, एक सेंटेंस उसमें लिखा है, which is the essence of this 300 page book, और वो एसेंस उन्होंने एक शब्द में, एक वाक्य में लिखा है, indisciplined pursuit for more, मतलब ज्यादा 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 अपना करने के लिए, फिर वो पैसा हो, फिर वो धंधा हो, संबंध हो, ज्यादा कमाने के लिए इन लोगों ने नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ दिया। नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ के आप प्रवृत्ति करेंगे या कोई भी काम व्यवसाय करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जरूर प्रश्न आ सकता है।